जय हिंद। 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये 1857 का रिवोल्ट शुरू कैसे हुआ, किस जगह से शुरू हुआ, किस तारीख को शुरू हुआ, और फिर कंट्री के वेरियस पार्ट्स में 1857 का रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ, कौन इसके लीडर्स थे, और फाइनली अल्टीमेटली कैसे ब्रिटिशर्स ने इस 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस किया, ख़त्म किया, ये पूरी कहानी आज अपन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखो, कॉजेस के बारे में हमने बात की थी और जितने भी कॉजेस थे वो पिछले कई सालों से बिल्डअप हो रहे थे। फिर चाहे वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कॉजेज हों, पॉलिटिकल कॉजेज हों, करप्शन वगैरह के कॉजेज हों, जितने भी कॉजेस थे वो पिछले कई सालों से बिल्डअप हो रहे थे। बट वो इमीडिएट कॉज कौन सा था जिसने चिंगारी का काम किया, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ? और इसमें अपन ने दो चीज़ों पर बात की थी। एक तो सिपॉयज़ के बीच में ये रूमर था कि उनको जो आटा दिया जाता है उस आटे में बोन डस्ट को मिक्स किया जा रहा है उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। और दूसरा इंट्रोड्यूस किया गया था एनफील्ड राइफल को, और ये जो एनफील्ड राइफल का कार्टियस था, या फिर ये कहें कि एनफील्ड राइफल का जो बुलेट था, वो बुलेट जो है बीफ और पिग फैट से बना हुआ था। मतलब एक तरीके से धर्म के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही थी, और इसके अगेंस्ट में जो इंडियन सिपॉयज थे उन्होंने डिसेंट किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। और हम बात कर रहे हैं आर्मी की, हम बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस की। आर्म्ड फोर्सेस तो फंक्शन करती हैं एब्सोल्यूट डिसिप्लिन पे। आज भी हम सुनते हैं ना, कमांडिंग ऑफिसर अगर किसी सिपॉय से कहे कि सर झुकाना है तो सर झुकाना है, अगर वो कहे कि पहाड़ पर जाओ और कूद जाओ तो कूद जाना है, अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन जब बात रिलीजन पे आई तो इंडियन सिपॉयज़ ने अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की शुरुआत करी, सवाल पूछना शुरू किया कि ये एनफील्ड राइफल का सच क्या है, बोलना शुरू किया कि हम इस एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। और 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ उससे जस्ट पहले कुछ छोटे छोटे म्यूटनीज होने लगे, कुछ छोटे छोटे रिबेलियस एक्टिविटीज़ दिखने लगे। जैसे बहरामपुर उड़ीसा वाले एरिया में एक जगह हुआ करती थी, बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री पोस्टेड थी, और इस 19th नेटिव इन्फेंट्री ने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया इन फेब्रुवरी 1857। इन्होंने बोल दिया कि साहब हमारे धर्म के साथ में खेला जा रहा है, हम इस एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। इस 19th इन्फेंट्री को अंग्रेज़ों ने कर दिया डिसबैंडन। फिर द वेरी फेमस मंगल पांडे बराकपुर, ये जो कैलकटा है इसके जस्ट ऊपर एक जगह थी बराकपुर, वहाँ पे 34th नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही हुआ करते थे मंगल पांडे, द वेरी फेमस मंगल पांडे ने रिबेल कर दिया। मंगल पांडे को पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन अप्रैल 6, और इस 34th नेटिव इन्फेंट्री को कर दिया गया डिसबैंडन। ऐसा ही कुछ हुआ अवध में, लेकिन ये कई छोटी छोटी म्यूटिनीज हुई, इन कई छोटे छोटे रिबेलियस एक्टिविटीज़ ने प्लेटफॉर्म रखा 1857 के रिवोल्ट का। लेकिन 1857 का रिवोल्ट अल्टीमेटली कहाँ से शुरू हुआ? अल्टीमेटली इसकी शुरुआत हुई मेरठ से। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह है मेरठ, इस मेरठ से शुरुआत हुई रिवोल्ट ऑफ 1857 की ऑन May 10th 1857। कहानी क्या है? 24th ऑफ अप्रैल को मेरठ की 3rd कैवलरी के 90 लोगों ने, 90 सिपॉयज ने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि साहब हमारे धर्म के साथ में खेल रहे हो आप लोग, हम एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। इन लोगों को पकड़ लिया गया और 9 मई को 85 को इनमें से डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की जेल कर दी गई। अब सोच के देखो, इंडियन सिपॉयज हैं, वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि हम एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे, उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही है, उल्टा उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और उनको 10-10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया डिसमिस करके। जो बाकी के इंडियन सिपॉयज हैं, जो उनके साथी हैं, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि बुरा लगेगा। तो उन सिपॉयज ने डिसाइड किया कि अब तो रिवोल्ट करना पड़ेगा, और 10 मई को इन सिपॉयज ने अपने इन 85 लोगों को फ्री करवाया, छुड़ाया, और जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पे थे उनको मार दिया, और मारने मुरने के बाद ये चल दिए दिल्ली की तरफ। रिवोल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? May 10th 1857 को। कौन सी कैवलरी रिस्पॉन्सिबल थी? 3rd कैवलरी ऑफ मेरठ। ये दिल्ली की तरफ चलने लगे।
जब ये जा रहे थे तो इनको खूब सारा सिविलियंस का सपोर्ट मिला, लोकल जनता ने इनको खूब सपोर्ट किया, लोकल इन्फेंट्रीज जो रास्ते में पड़ी उन्होंने खूब सपोर्ट किया। दिल्ली जब ये पहुंचे तो दिल्ली में जो इन्फेंट्रीज थी उन्होंने इनको सपोर्ट किया। इनफैक्ट दिल्ली में जो पॉलिटिकल एजेंट था साइमन फ्रेजर, उस साइमन फ्रेजर को इन्होंने मार दिया, उसको किल कर दिया, खत्म कर दिया। लेफ्टिनेंट बिल्गुबाय ने इस थर्ड कैवलरी को रजिस्ट करने की कोशिश करी कि ये दिल्ली पे कब्जा एस्टेब्लिश ना करें, उसके लिए कोशिश करी, रजिस्ट किया, लेकिन ये भी फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली इन लोगों ने दिल्ली पे अपनी सत्ता जमा ली, दिल्ली को कैप्चर कर लिया और इन्होंने बहादुर शाह को प्रोक्लेम किया एज एम्परर ऑफ इंडिया, द लास्ट मुगल एम्परर, उसको बनाया गया एम्परर ऑफ इंडिया, एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर हेड बना दिया गया। भाई मुगल एम्पायर ने बड़े लंबे चौड़े टाइम तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया था, यूनिटी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ साहब हम यूनाइटेड हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास अपना राजा भी है। बहादुर शाह जो कि पहले से ही मुगल एम्पायर के हेरिटेज में आते थे, डिसेंडेंट थे, उनको बोला गया कि आप हमारे एम्परर ऑफ इंडिया हो, और रिवोल्ट की शुरुआत हुई। और ये जो रिवोल्ट है ये खूब दूर दूर तक फैला, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जैसे इधर ये पहुंचा पंजाब वाले एरिया तक, इधर अगर देखेंगे तो राजपूताना में राजस्थान तक, इधर अगर देखेंगे तो नर्मदा रिवर के बैंक तक पहुंच गए, इधर अगर जाएंगे तो इधर बिहार वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहां तक पहुंच गए, खूब स्प्रेड हुआ। दो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो कहां से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, May 10th 1857 को शुरू हुआ। किसको एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया गया, बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया गया। अब अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक एक जगह के बारे में। जब ये रिवोल्ट की शुरुआत हुई तो जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन थी उसने भी बढ़ चढ़ के इस आर्मी को, इन इन्फेंट्रीज को, इन इंडियन सिपाहियों को खूब सपोर्ट किया। खासकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ये जो वाला हिस्सा था इसमें खूब सपोर्ट मिला। अवध के रीजन में जहां मिस गवर्नेंस के लिए अवध के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डाला गया था, अवध को अपने कब्जे में लिया गया था, तो ये अवध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोगों ने खासकर बढ़ चढ़ के इंडियन सिपाहियों की मदद करी, उनके साथ में हेल्प करी। इनफैक्ट जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उसने मनी लेंडर्स को अटैक करने की शुरुआत करी, जमींदार्स को अटैक करने की शुरुआत करी। वो मनी लेंडर्स, वो जमींदार्स जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, जिनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, मनी लेंडर्स के जो अकाउंट बुक्स थे, जो डेट रिकॉर्ड्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनको डिस्ट्रॉय करने के पीछे का तो बड़ा सिंपल सा रीज़न था, भाई आपने किससे कोई कर्जा लिया हुआ है, उसकी जो अकाउंट बुक है उसी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब अगला मांगेगा क्या। तो मनी लेंडर्स को अटैक किया गया, जमींदार्स को अटैक किया गया, ब्रिटिशर्स के जो लॉ कोर्ट्स थे, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, पुलिस स्टेशन वगैरह थे, उन सबको अटैक करने की शुरुआत करी। मतलब सिविलियन पॉपुलेशन ने भी खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवोल्ट में। वेरियस सेंटर्स जहाँ पे ये रिवोल्ट बहुत एक्सट्रीम रहा, बहुत मजबूत रहा, वहाँ पे कौन लीडर्स थे, कौन लीड कर रहा था। दिल्ली में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को, बहादुर शाह। बहादुर शाह हालांकि सिम्बॉलिक हेड था, जो दिल्ली के सोल्जर्स थे उनका कमांडर था जनरल बकत खान। तो दिल्ली में कौन अथॉरिटी है, बहादुर शाह और जनरल बकत खान। लखनऊ में कौन लीड कर रहा है रिवोल्ट को, बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर। लखनऊ में कौन कर रहा है, बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर। कानपुर में कौन कर रहा है, नाना साहिब और नाना साहिब के एक बड़े क्लोज एसोसिएट तांतिया टोपे। बरेली में कौन कर रहा है, खान बहादुर खान। फैजाबाद में कौन लीड कर रहा है 1857 के रिवोल्ट को, मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में द वेरी फेमस रानी लक्ष्मीबाई। आरा बिहार में कौन कर रहा है, कुंवर सिंह कर रहा है। ये नाम याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभार। दिल्ली में 1857 के रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा है, बहादुर शाह और मेनली जनरल बकत खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर। कानपुर में नाना साहिब और तांतिया टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। आरा बिहार में कुंवर सिंह। अच्छा, वेरियस जगहों पे कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस किया है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जॉन निकोलसन, मेजर आउटरैम और विलियम हटसन। मेनली तो जॉन निकोलसन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी मेजर आउटरैम ने भी काम किया, विलियम हटसन ने भी काम किया। लखनऊ और कानपुर में 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोलिन कैम्पवेल। खासकर लखनऊ में कोलिन कैम्पवेल ने रिवोल्ट को सप्रेस किया।
झांसी में किसने सप्रेस किया? यूग रोज ने। किसने सप्रेस किया? यूग रोज ने। आरा बिहार में किसने सप्रेस किया? विल्सन टेलर ने। बिहार आरा में किसने किया? विल्सन टेलर ने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कौन लीडर्स थे 1857 के रिवोल्ट के। दिल्ली में बहादुर शाह और जनरल बकत खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। कानपुर में नाना साहिब और तांत्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा बिहार में कुंवर सिंह। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, दिल्ली में कौन था? जॉन निकोलसन। लखनऊ कानपुर में कोलिन कैमवेल। झांसी में यूग रोज और आरा में विल्सन टेलर। अब एक एक करके देखते हैं ब्रीफली कि क्या कहानी रही है। दिल्ली में सिम्बॉलिक हेड कौन था? बहादुर शाह था। एंड बहादुर शाह वॉज द वीकेस्ट लिंक, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं थी, सिम्बॉलिक तौर पर बैठा हुआ था ये आदमी। एक्चुअल में जो रियल कमांड थी सोल्जर्स की वो किसके पास में थी? जनरल बकत खान के पास में। बरेली में जो ट्रूप्स थे उन बरेली के ट्रूप्स को दिल्ली लेकर आए थे जनरल बकत खान, और जनरल बकत खान को दिल्ली में दी गई कमांड। ये रहे जनरल बकत खान, इनको कमांड मिली दिल्ली के सोल्जर्स की। एक कोर्ट बनाया गया जब बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम कर दिया गया, तो एक कोर्ट बनाया गया। इस कोर्ट में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर्स थे। 10 में से 6 आर्मी से आते थे और 4 जो है वो सिविलियन डिपार्टमेंट से आते थे। कानपुर में रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था? नाना साहिब। और नाना साहिब जो हैं वो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहिब कानपुर में रिवेलियन को लीड कर रहे थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड कर रहे थे, और इनके साथ में इनका एक प्रिय मित्र तांत्या टोपे भी लड़ रहा था। नाना साहिब लड़ाई को लीड कर रहे थे। इन्होंने इंग्लिश लोगों को एक्सपेल कर दिया कानपुर से और खुद को पेशवा प्रोक्लेम कर दिया कि मैं पेशवा हूँ आज से। सर यूग व्हीलर जो इस स्टेशन को कमांड कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर किया नाना साहिब के सामने ऑन June 27, 1857। दिल्ली में कौन है सिम्बॉलिक हेड? बहादुर शाह। एक्चुअल में कमांड किसके हाथ में? जनरल बकत खान के हाथ में। कानपुर में नाना साहिब और तांत्या टोपे। नाना साहिब जो हैं वो पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। इन्होंने कानपुर को कैप्चर किया, अंग्रेज लोगों को भगाया और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। यूज व्हीलर जो कि कमांड कर रहे थे स्टेशन को, ब्रिटिशर्स की आर्मी को कमांड कर रहे थे कानपुर में, उन्होंने सरेंडर किया नाना साहिब के सामने ऑन June 27, 1857। लखनऊ में रेवेलियन की शुरुआत हुई ऑन 4th June 1857। लखनऊ में कब शुरुआत हुई? 4th June 1857 को। और किसने इस रेवेलियन को लीड किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को बनाया गया लखनऊ का नवाब, प्रोक्लेम किया गया। सर हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे, उनको मार दिया गया। सर हेनरी हेवलॉक और सर जेम्स आउटरैम ने कोशिश करी लखनऊ को रिकवर करने की, लेकिन फेल हो गए। अल्टीमेटली फिर कोलिन कैमवेल आएंगे जो कि न्यू कमांडर होंगे, कमांडर इन चीफ बनाए जाएंगे, और वो लखनऊ को रिकवर करेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे ना कि लखनऊ में किसने सप्रेस किया रिवोल्ट को? कोलिन कैमवेल ने। लखनऊ की कहानी क्या है? लखनऊ की कहानी बड़ी सिंपल है। रिवेलियन शुरू हुआ 4 June 1857 को। कौन कमांड में था? बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को बनाया गया नवाब। हेनरी लॉरेंस जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसको मारा गया। सर हेनरी हेवलॉक और सर जेम्स आउटरैम ने कोशिश करी लखनऊ को रिकवर करने की, लेकिन फेल हो गए। अल्टीमेटली एक नए कमांडर इन चीफ आए जिनका नाम था सर कोलिन कैमवेल, और इन्होंने लखनऊ को रिकवर किया। 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस किया लखनऊ में। बरेली में कौन लीड कर रहा था? खान बहादुर। ये रहे खान बहादुर। ये रोहिलखंड के रूलर्स के डिसेंडेंट थे, मतलब उनके खानदान से आते थे, और इन्होंने एक लगभग 40,000 लोगों की आर्मी ऑर्गेनाइज करी और बरेली में ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस ऑफर किया, बरेली में ब्रिटिशर्स को अपोज किया। तो बरेली में कमांड किसके पास में था? खान बहादुर के पास में। बिहार में कमांड किसके पास में था? कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इनकी कहानी क्या है? कुंवर सिंह जो है वो लगभग 70-75 साल के थे, और ये क्या है, जमींदार थे। इनकी जमीन जो है वो छीन ली थी अंग्रेजों ने, तो बड़े गुस्से में थे। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने सिपाहियों को ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने बिहार में 1857 के रिवोल्ट को लीड किया। फैजाबाद की कहानी क्या है? फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला जो हैं, जो कि मद्रास के रहने वाले थे लेकिन फैजाबाद में मूव करके रह रहे थे, उन्होंने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने सिपाहियों को ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिशर्स को रजिस्ट किया। 1857 के रिवोल्ट को लीड किया फैजाबाद में। झांसी, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
झांसी की कहानी ये रही कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया झांसी में। बेसिकली कहानी क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे राजा गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, तो इन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया हुआ था। जब राजा गंगाधर राव डाइड तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इम्पोज कर दिया झांसी के ऊपर। बेसिकली जो इनका अडॉप्टेड बेटा था उस अडॉप्टेड बेटे को झांसी देने से मना कर दिया। तो जैसे ही 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो खड़ी हो गई अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में और इन्होंने बोला कि मैं झांसी नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। खूब तगड़े तरीके से ब्रेवरी के साथ में लड़ी। इनकी मदद करी तांत्या टोपे ने, वही तांत्या टोपे जो कि कानपुर के नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट थे। कानपुर की जब कहानी ख़त्म हो गई या कानपुर में जब इनको बैकलैश मिलने लगा तो ये निकले और ये आए झांसी, और झांसी में इन्होंने मदद करी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे दोनों मिलके ग्वालियर की तरफ मार्च करने लगे। ग्वालियर में बैठा हुआ था सिंधिया, सिंधिया जो कि लोकल रूलर था, और ये जो सिंधिया है ये 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स की मदद कर रहा था। जब रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे पहुँचे अपनी आर्मी के साथ में तो ये सिंधिया भागा और ये पहुँचा आगरा शरण लेने के लिए। नाना साहेब को बनाया गया पेशवा, लेकिन फिर लंबी लड़ाई चलती रही और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने वापस से ग्वालियर को रिकैप्चर कर लिया इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मैदान में शहीद हुई। अपने को मेन तो ये याद रखना है कि कौन सी जगह पे कौन लीडर था 1857 के रिवोल्ट का। इसको सप्रेस कैसे किया गया थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली जो है उसको ब्रिटिशर्स ने वापस रिकैप्चर किया ऑन सितंबर 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। किसके अंडर फोर्सेस थी? जॉन निकोलसन के अंडर ब्रिटिश फोर्सेज ने यह काम किया। बहादुर शाह जो था उसको प्रिजनर बना लिया गया और उसको रंगून में भेज दिया गया। म्यांमार बर्मा में जो रंगून है वहाँ पे भेज दिया गया, प्रिजनर के तौर पे रखा गया, और वहाँ पे बहादुर शाह पास्ड अवे इन 1862। बहादुर शाह के जितने भी बेटे थे, प्रिंसेस थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पब्लिक के सामने गोली मारी गई। और गोली किसने मारी? लेफ्टिनेंट हडसन ने मारी। सर कोलिन कैम्बेल, इन्होंने कानपुर को ऑक्यूपाई किया ऑन 6 दिसंबर 1857। कानपुर में जो नाना साहिब थे वो भाग गए, वो चले गए नेपाल, और नेपाल जाने के बाद उनके बारे में फिर कभी सुनाई नहीं दिया। तांत्या टोपे जो हैं वो इनिशियली तो चले गए सेंट्रल इंडिया में, फिर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद करी है, और फिर फाइनली इनको कैप्चर कर लिया गया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया इन अप्रैल 1859। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ये लड़ते लड़ते शहीद हुई इन जून 1858। किसने लीड किया था झांसी में ब्रिटिशर्स की फोर्सेस को? युग रोज ने। और 1859 आते आते कुंवर सिंह, बकत खान, खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला, इन सबको मार दिया गया या ये सब मारे गए। बेगम ऑफ अवध जो कि बड़ा प्राइमरी सेंटर था 1857 का रिवोल्ट, यहाँ पे भी खूब चला, ये बेचारी छुप गई और चली गई नेपाल। बनारस में भी रेवेलियन हुआ, लेकिन बनारस में जो रेवेलियन था उसको सप्रेस कर दिया कर्नल नील ने। और 1859 आते आते ये जो 1857 का रिवोल्ट था इसको ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और 1857 के रिवोल्ट की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अपन आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसके फेलियर के पीछे कॉजेस क्या रहे, इसका नेचर क्या था, मतलब ये कहें कि पूरा कंट्री वाइड था या किसी एक पोर्शन तक लिमिटेड था, वो भी देखेंगे, वो सारी बातचीत करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।